राजधानी रांची के धुरुआ स्थित एचईसी मुख्यालय के पास वहां के कर्मियों के द्वारा अभिगत 18 महीने के वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर में इंडिया गठबंधन के लोगों द्वारा एवं एचईसी कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया। एचईसी कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन का दौर जारी है, परंतु उनकी खबर लेने वाला अब तक कोई नहीं है। इन कर्मियों के मांग के समर्थन में आए राज्यसभा सांसद ने राज्यसभा में हक का मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान को बंद होने ना दे जिसने इसरो के लिए भी कई बड़े उपकरण बनाए हैं। इस एचईसी के जमीन पर स्मार्ट सिटी बसाया जा रहा है तो क्या उसे भी कुछ राशि देकर बचाया नहीं जा सकता? आपने मुझे इंडिया के ग्लोरियस स्पेस जर्नी चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसरो को और देश का गौरव बढ़ाने वाले तमाम साइंटिस्ट को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। पूरी दुनिया उनके इस उपलब्धि के लिए उनका आभारी हो गया है। उन्होंने हम सबको गौरवान्वित किया है। मुझे इस बात का भी गर्व है कि मेरा जन्म एक ऐसे शहर में हुआ जहाँ पर HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है, जो कि इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को हमेशा बहुत आगे बढ़ाया। और आप सभी जानते होंगे कि चंद्रयान 1, 2 और 3 तीनों में जो लॉन्चिंग पैड है और बहुत सारे उपकरण HEC में बने हुए हैं। ये 1952 में बना था, जबकि हमारे पंडित नेहरू जी ने इसे बनाया था। और एशिया का सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ये मदर इंडस्ट्री माना जाता है। लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि लगातार मैं कई वर्षों से देख रही हूँ, 2014 के पहले तक उसकी स्थिति लगभग ठीक थी, 2014 के बाद से लगातार डिटोरिएट कर रही है। और अभी 18 महीने से वहाँ के कर्मचारी स्टाफ अफसर को अभी तक सैलरी नहीं मिला है। वो लोग चाय बेचते हैं सुबह में, फिर ऑफिस जाते हैं। और आपको बता दूं, उनके पास कोई परमानेंट अभी CMD भी नहीं है। वो भेल के CMD को वहाँ पर 3 साल से रखा है उन्होंने, और 3 साल के अंदर वो 5 से 6 बार ही वहाँ पर आए हैं। डायरेक्टर भी नहीं थे, अभी भी उसी तरह से टेम्पररी डायरेक्टर रखा गया है। मैं आपको बता दूं कि वहाँ के जो कर्मचारी और जनप्रतिनिधि है, वो आंदोलन के समय में उनका ये कहना होता है कि ये नीति आयोग ने जिन 48 पब्लिक सेक्टर का लिस्ट बनाया, उसमें प्राइवेट के हाथों बेचने के लिए उनमें हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का नाम भी है। ऑनरेबल मेंबर जी, यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। यस यस, एंड यू शुड बी ग्रेटफुल। हाँ, मैंने द ऑनरेबल मिनिस्टर वांट्स टू रिएक्ट। बोलने दिया जाए। वन सेकंड जी, मैं आपको बोलने दूंगी। मैं मुझे बोलने दिया, मेरा समय बहुत कम है। मैं एक बार अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, मैं बोलूंगी। प्लीज, आपका सुनूंगी, लेकिन पहले मुझे बोलने। ऑनरेबल मेंबर, एट माय रिक्वेस्ट, सिंस यू हैव रेज्ड अ वेरी गुड इशू, a human issue, लेकिन इसे पूरा तो करने दीजिए। And your success lies that the honorable minister is ready to respond. You will resume after I tell you. वही मुख्यालय गेट के समीप प्रदर्शन कर रहे HEC कर्मियों का कहना है कि विगत 18 महीनों से वेतन भुगतान नहीं होने के कारण हम HEC कर्मियों का जीविकोपार्जन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, और इसके लिए काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यही कहना चाहेंगे कि पूरे HEC के मजदूर वर्कर ऑफिसर का जो हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोग मजबूर हो गए हैं कि कुछ धंधा पानी करे ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, ऐसी स्थिति आ गई है। ये भी खबर आई थी, कुछ इडली बेच रहे हैं, कुछ मोमोज बेच रहे हैं। खबर नहीं आई है, वो सत्य है। पुराने विधानसभा के सामने सुबह सुबह वो इडली बेचते हैं, 1 घंटा है उसका, तो ऑफिस आते हैं।